आप विंडो का की बटन दबाओगे कीबोर्ड पे और यहाँ पर लिखोगे सीएमडी। सही है, तो ये जो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट का करके आ रहा है सबसे टॉप पर, इस पे एंटर मारोगे तो एक इस तरह की विंडो खुलेगी, दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इस पर आप कोई भी ऐसी कमांड लिखोगे जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी हो, ठीक है, और किस चीज के लिए इंस्टॉल करनी हो वो भी बताना जरूरी है। लाइक कि आप कोई गेम करने के लिए कर रहे हो, किसी लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, तो वो आपने बतानी है कि किस चीज की कमांड है और उनके उनको डाउनलोड या इंस्टॉल करने का क्या तरीका है। ठीक है, और इसको खोलने के दो तरीके हैं। एक तो ये मैंने सिंपल सा नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट खोला है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाला, यानी कि जब आप कोई ऐसा काम करोगे जो जो आपके सिस्टम की परमिशन के साथ इंस्टॉल हो, उसके लिए आप क्या लिखोगे, सीएमडी आपने यहां पर लिखा और उसके बाद उस पर करोगे राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो वो आपसे परमिशन भी मांग रहे हैं। ठीक है, यस करोगे तो अब ये वाला जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कमांड प्रॉम्प्ट है, सिंपल वाला नहीं है। इतनी ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या किसको नहीं है, किसको मसला है, पासवर्ड मांग रहे हैं? हाँ ठीक है, यहाँ पर नहीं खोलो क्योंकि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं है, अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको बोलूंगा यूज करने के लिए तो आपने यूज करना है। जो रिक्वायर्ड आपके पास चीजें हैं ना अभी जो आपने यूज करनी है वो सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, अच्छा अब जो है मुझे ये बताओ कि आपने कोई ऐसा कोड लिख लिया जो बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन बना ली जो आप कह सकते हो कि यार ये जो कोड है ये मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको कहाँ रखें, इसका जवाब कौन कौन दे सकता है इसके अलावा? यूएसबी तो बेकार ऑप्शन है। यूएसबी तो नॉट एक्सेप्टेबल ऑप्शन है, कभी भी मसला कर दे फिर। ठीक है, आप गूगल ड्राइव भी एक ऑप्शन है लेकिन कब तक जी, मेमोरी कार्ड। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है गिटहब, सही है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास गिटहब इज अ डेवलपर प्लेटफॉर्म दैट अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट स्टोर मैनेज एंड शेयर देयर कोड, इट यूजेस गिट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग दी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल बग ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर फीचर रिक्वेस्ट टास्क मैनेजमेंट कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड बिगेस्ट फॉर एवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, आसान लफ्जों में आपने जब अपना कोड कहीं पे स्टोर करना हो तो उसके लिए आप यूज करोगे गिटहब। ठीक है, जब आपकी किसी कंपनी में काम करोगे किसी हवाले से तो जो आपका जो काम होगा वो मैनेज होगा, अगर किसी तरीके से कोड जो आपका मैनेज होगा वो गिटहब के जरिए होगा, अगर आपने यहाँ पर बाद में ग्रुप्स बन के काम किए जाएंगे तो कोड जो आपस में शेयर करोगे वो भी गिटहब के जरिए से होगा। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर कम्युनिटी भी बना सकते हो जिसमें आप कंपनी बना सकते हो, इसके अलावा आप बहुत कुछ कर सकते हो इसके जरिए से। ठीक है, तो अब हम इसको चलाना सीखते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, जाकर अकाउंट बनाना है जाकर, सही है, जो बहुत आसान है, गूगल से बन जाएगा, ईमेल पासवर्ड से बन जाएगा, कहीं से भी बन जाएगा, और फिर जब github.com की मेन वेबसाइट पर आओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का होम पेज आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का होम पेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी जिसे आप एक्सप्लोर करो, किसी को कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, हम कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे और इम्पोर्टेंट टूल्स देखेंगे कि उनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना। राइट क्लिक पे आपके पास जो प्रोफाइल पिक्चर आ रही होती है वहां पर आपके पास नेविगेशन बार है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो और उसको अगर आपने एडिट करना है और उसके आपने परफॉर्मेंस देखनी है, परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पर लेफ्ट पर आपकी जो है सारी डिटेल आ जाएगी जो भी आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है,
और ये जो है ये आपके काम का स्टेटस है, सही है, किस लेवल का कब कब आप कोड पुश कर रहे हो, और ये आप अपना जो है डाल सकते हो डेटा इस तरह इधर। इसके अलावा ये आपकी प्रोग्रेस है पूरे साल का, आपने कितना कोड पुश किया है, ठीक है, जो कि एक साल का मेरा बहुत काम है। अच्छा अब हम आते हैं आपके पास जो ऊपर नेविगेशन बार आ रही है, ये तो हो गया ओवरव्यू, उसके बराबर में आ रहा है रेपोजिटरीज, ठीक है। एक एक चीज नोट कीजिएगा, रेपोजिटरीज के बराबर में क्या नंबर आ रहा है, 94, ठीक है। इसी यूआरएल में कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो पर ओपन कर लेते हैं, सही है जी। रेपोजिटरीज पे क्या नंबर आ रहा है, 47, ठीक है। अच्छा ये क्यों आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है जब आप किसी क्लाइंट का काम करोगे, किसी कंपनी का काम करोगे, तो रेपोजिटरीज आपकी बनाई जाएंगी दो तरीके की, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ठीक है। ये जो अपने पास नोट करना चाह रहे हो नोट करें, अदरवाइज ये चीजें आप याद करनी जरूरी है। जब भी गिटहब का क्विज हो गया या गिटहब का कोई भी टेस्ट वगैरह हो गया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, रेपोजिटरी क्या है, ठीक है, रेपोजिटरी क्या है। अच्छा यहाँ पर आपके पास जो है राइट पर एक बटन आ रहा है न्यू करके, सही है। हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और खुद समझने की कोशिश करते हैं कि भाई रिपोजिटरी है क्या, ठीक है। न्यू के बटन पे क्लिक कर दिया मैंने, वो मुझे एक न्यू क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी के पेज पर ले गया और बोल रहा है कि भाई अपने रिपोजिटरी का नाम लिखो। अब सपोज कर लेते हैं कि हमने जो है आज फॉर्म्स पढ़ना था, ठीक है, बल्कि सीएसएस के बॉक्सेस पढ़ने थे हमने, ठीक है। तो मैं यहां पर रेपोजिटरी का नाम लिख लेता हूं, सीएसएस बॉक्सेस, ठीक है, सीएसएस बॉक्सेस करके मैंने नाम लिख लिया। अब डिस्क्रिप्शन अगर कोई डालना चाह रहा है, वेब पेज डेवलप यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है पब्लिक हो या प्राइवेट हो, पब्लिक मतलब एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रिपोजिटरी यू चूज हु कैन कमिट, और प्राइवेट मतलब यू चूज हु कैन सी एंड कमिट टू द रिपोजिटरी। आपके सामने यहां पर इनकॉग्निटो पर सिर्फ वो 47 जो रिपोजिटरी शो हो रही है, इसका मतलब है कि आप सारे भी उन सारे मेरे मेरी इन तमाम रिपोजिटरीज को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम अभी पब्लिक पर रखते हैं और आपने और कहीं पर नहीं जाना, क्रिएट रिपोजिटरी का बटन बना दिया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ, सही है। अब जो है वो आपको कुछ इस तरीके के पेज पर ले जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बस याद रहे कि क्या लिखा हुआ है, क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, और ये रहा आपका यूआरएल, सही है, जो इस वाले बटन से कॉपी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर अपना जो फोल्डर है वो बना लेते हैं, सीएसएस तो ठीक है, क्लास 6, और इसके अंदर हमें एक HTML की फाइल बना देंगे, इंडेक्स डॉट एच टी, सही है। राइट नाउ मैं सीएसएस की फाइल नहीं बना रहा, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, बॉक्सेस, और एक हम H1 बना लेते हैं अपने पास, रन करके देख लेते हैं एक दफा इस फाइल को, डेफिनेटली रन होगी, ठीक है, रन हो रही है, सही है, ओके। अच्छा
अब जो है क्या करते हैं, फाइल को मैंने सेव कर दिया और कोड को बंद ना करो मसला नहीं है, हम इधर आ जाते हैं। सही है, जो आपका फोल्डर था, जिनको फोल्डर बनाने में या फोल्डर अंडरस्टैंडिंग में मतलब होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें ये क्या हो रहा है। सही है, अब एक तो मैंने अभी बताया था कमांड प्रॉम्प्ट किस तरह ओपन होगा, विंडो का बटन दबाया और यहाँ पर लिख दिया। सही है, अभी अभी अब हम उस तरह ओपन नहीं कर रहे हैं। ये आपको एक नेविगेशन बार दिख रहा है, विच इज एक्चुअली अ पाथ बार, डिस्क पीसी लोकल डिस्क जी, ये फोल्डर ये फोल्डर ये फोल्डर दिख रहा है। सही है, इस पाथ पे आपने जाकर क्लिक कर देना है, वो हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ आपने जाकर लिख दिया सीएमडी और एंटर। अब अगर आप देखो तो वो जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है वो आपके उस फोल्डर में जाकर ओपन हुआ है। समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब जो है इसको हम थोड़ा सा, अच्छा अब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो, यानी कि आपने बहुत सारी कमांड लिख ली है और बहुत सारा नीचे चला गया है, नीचे चला गया मतलब स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर करने के लिए आप क्या करोगे, एक कमांड है कंट्रोल डबल सी, उसके बाद सी एल एस एंटर करते हैं तो आपका जो भी यहाँ पे कमांड लिखी हुई होंगी वो सब क्लियर होगी। कंट्रोल डबल सी और उसके बाद सी एल एस स्टैंड फॉर क्लोज, ठीक है। अच्छा अब आपने यहाँ पर कुछ कमांड लिखनी है जिसके जरिए से आपका कोड यहाँ से पुश होकर आपकी गिटहब रिपोजिटरी में चला जाएगा। ठीक है, वो कमांड्स आपको याद भी करनी पड़े तो करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज एक पेज पर लाजमी लिख लेना लर्निंग पर्पस के लिए, या फिर जब तक आप जो है थोड़ा एक्सपर्ट लेवल तक नहीं चले जाते। ठीक है, अभी लिखने की नीड नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, हम आते हैं कहाँ पर, मेरी आपने गिटहब की प्रोफाइल खोलनी है। सही है, और आपने जाना है रिपोजिटरीज पर और यहां पर लिखना है लैंग्वेज कमांड फाइल्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताती हैं कि भाई आपने जो जो आपने किस किस चीज की कमांड्स आपने अपने पास सेव रखी हुई हैं। सही है, अपने तरीके से जब आप थोड़ा सा सीरियस होके काम करोगे ना तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बनाते रहोगे। ठीक है, गेट कमांड्स, ठीक है, आखिरी दफा मैंने इस पे काम किया था 3 साल पहले। ठीक है, क्लिक करते हैं इस पर और इस पर जो लिखा हुआ है उसको हम समझ के जो है अपने पास खुद से चलाते हैं। स्टेप वन गेट इन इट, इसका क्या मतलब है, हम खुद चेक करेंगे। सही है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ, दिख रहा है, और मैंने यहाँ पर एक कमांड लिखी सबसे पहले गेट, उसके बाद INIT, सही इन इट। हाँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो ये वाला फोल्डर था अभी तुम्हारे सामने क्लास 6 बनाया था, उसमें मैंने एक गिट की जो है इनिशियलाइज रिपोजिटरी बना दी है। कैसे चेक करें भाई, अगर जाकर बिल्कुल उसने एक डॉट गिट करके फोल्डर तो बना दिया है जो 1 मिनट पहले नहीं था, ऐसे ही है। ठीक है, अब उसने तो फिर आपने क्या देखा, गिट इनिट की कमांड ने क्या करा, जो गिट आपका जो फोल्डर था उसमें गिट को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि फोल्डर बना दिया गिटहब को। ठीक है, अच्छा सही है, अब जो है आपके पास दूसरी कमांड है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस आपको ये बताएगा कि आप जिस रिपोजिटरी की बात कर रहे हो, एक वो, और जिस फोल्डर में आप खड़े हुए हो, कौन कौन सी फाइल उससे एसोसिएटेड नहीं है। जो फाइल उससे एसोसिएटेड नहीं होंगी वो आपको बता देगा रेड कलर, वो हमें बता रहा है कि भाई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल एसोसिएटेड नहीं है। सही है, जिससे वो ये अनट्रैक्ड फाइल करके बता रहा है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या कमांड लिखी, गेट स्टेटस, ठीक है, कमांड नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होता है, गेट एड -a, एंटर कर दिया। अब आपने क्या किया, जो आपकी फाइल्स थी उसको आपने अपनी जो गिटहब की रिपोजिटरी थी उसके साथ एसोसिएटेड कर दी। ठीक है, नाउ दिस फोल्डर दिस फाइल इज एसोसिएटेड विथ दिस रिपोजिटरी, कौन सी वाली, ये जो सीएसएस बॉक्स की आपके सामने अभी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद कमांड नंबर 4 क्या बता रहा है, दोबारा से गिट का स्टेटस चेक करो।
गेट स्पेस स्टेटस एंटर। वो बोल रहा है कि भाई अब चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि अब पहले वही फाइल जो रेड कलर में बता रहा था अब वो येलो कलर में बता रहा है कि ये फाइल इस रेपोजिटरी के साथ एसोसिएट हो चुकी है, हो गई है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, गेट कमिट डैश एम। आज एक फाइल है, कल दो फाइलें होंगी, परसों 10 फाइलें होंगी। ठीक है, तो जब जब आप रिपोजिटरी में कोई काम पुश करोगे, आप उसको बताओगे कि इस काम में क्या हुआ था। ठीक है, कमिट लिखोगे, जो आपके पास कमिट्स होते हैं, कमिट्स पास करना, फीडबैक वगैरह देना, तो उसके लिए आपके पास है गेट कमिट डैश एम, और उसके बाद डबल कॉलन के अंदर आप कमिट लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, सही है। और इसको यहाँ पर एंटर करते हैं, बोला भाई कि एक फाइल में 11 इंस्ट्रक्शन हैं और किस फाइल में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में। ठीक है, अब अगर 11 को देखें, 11 का क्या मतलब है, आपकी 11 लाइनों में काम हुआ हुआ है, तो उस वजह से उसने उसको 11 बताया। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, गेट कमिट डैश एम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज, इसका मतलब भी समझ में आ गया कि भाई आपने जो काम किया हुआ है उसको आपने कमिट लिखकर अपने कोड को समझा दिया रिपोजिटरी में। अच्छा भाई अब क्या है, गेट रिमोट एड ओरिजिन, सही है, और स्पेस लगा, स्पेस करके जो आपकी रिपोजिटरी का यूआरएल है, दिस वन कंट्रोल, गेट रिमोट एड ओरिजिन स्पेस करके जो आपके रिपोजिटरी का यूआरएल है, एंटर, सही है। अच्छा अब एक टॉपिक है जो थोड़ा लेंदी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, गेट ब्रांचेस, सही है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू अभी दे देता हूँ। आज आप जो है, जब कभी आप किसी कंपनी में काम करोगे, ठीक है, तो आपको जो है जिस भी सेक्शन पे या जिस भी चीज पे काम दिया जाएगा, आपको एक गेट की ब्रांच बना के दे दी जाएगी, आप सिर्फ उस ब्रांच में कोड पुश करोगे। ठीक है, अगर 3 बंदे हैं ना, तो एक मेन बंदा होगा जो सारे कोड को मर्ज करेगा, मर्ज करके रन करेगा, और जो 3 बंदे होंगे उनको 3 ब्रांचेस बनाकर दी जाएंगे, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, हर कोई अपना काम सिर्फ अपनी ब्रांच में पुश करेगा, किसी दूसरी या तीसरी में नहीं करेगा। और जो मेन बंदा होगा उसके पास एक ब्रांच होगी, उसका नाम होता है मास्टर या मेन, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। राइट नाउ हमारे पास जो मेन ब्रांच है उसका नाम मास्टर ही है, सही है। तो फिर हमारे पास लास्ट कमांड क्या है, गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर। ठीक है, इसको एंटर करते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि डन करता हुआ चीजें नजर आ रहा है, सही है, हर चीज उसने डन डन कर दिया मेरी। अब अगर मैं जाऊं यहां पर, सही है, और इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, ठीक है भाई, तो अब आपके पास जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल थी मेरी, वो यहाँ एक्सेस हुई हुई नजर आ रही है, नजर आ रही है सबको, सही है। 2 मिनट अगो, 2 मिनट अगो मतलब ये आपको वो टाइम बताएगा जब रिपोजिटरी क्रिएट हुई थी, और ये वही कमिट है प्रोजेक्ट इनिशियलाइज जो अभी आपके सामने मैंने लिखा था, वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज लिखा था। ठीक है, और अब आप इसको जाकर चेक कर सकते हो कि भाई हाँ मेरा कोड ही अंदर लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, अब आपने अगर किसी के साथ अपना काम शेयर करना है तो आप क्या करोगे, ये रेपोजिटरी का यूआरएल उसको दे दोगे और वो चला देगा। मैं स्विच बोर्ड पे रख रहा हूँ, सब अपने बात ओपन करके देखो, ओपन हो रहा है, ये ओपन यूआरएल ओपन करके देखो, ओपन हो रहा है सबके पास, ठीक है, ओके। अच्छा अब ये जो इतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया है, ये सिर्फ उस वक्त का है जब आपने पहली बार रिपोजिटरी बनानी है और पहली दफा कोई काम शुरू करना है,
जब भी कोई नया काम करो उसके लिए अलग फोल्डर बनाओ, उसके लिए अलग रेपोजिटरी बनाओ। अब ठीक है, तुमने बोला यार कि अब हम ऐसा करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को जरा बंद कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक दफा दोबारा ओपन करते हैं PMD, और आपको चेक करना है कि भाई मेरे गेट का स्टेटस क्या है, कोई नई चीज आई? गेट स्टेटस क्या बोल रहा है? नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, योर ब्रांच इज अप टू डेट विथ ओरिजिन मास्टर, ऑलरेडी अप टू डेट है, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा नहीं है तो सही है भाई, आपने ऐसा किया कि बाद में जब अगले दिन आप घर जाके काम करने बैठे, आपने बोला ठीक है भाई एक CSS की फाइल भी बना लेते हैं, लिंक डॉट फ्लैश स्टाइल डॉट CSS, और CSS की फाइल यहाँ पे हम बना लेते हैं, ठीक है, और बॉडी में हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और एक हम लगा देते हैं H2, हेडिंग 2। ठीक है, एक दफा इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, फाइल रन हो रही है, सबको नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा अब मैं आया दोबारा कहाँ पर, बेटा अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, दोबारा आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ। यहां पर इस पाथ बार पे क्लिक करोगे और फिर लिखोगे CMD। ठीक है, अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके गेट का स्टेटस क्या है, कुछ नया है या नहीं। गेट स्टेटस, उसने बोला भाई कि ये वाली इंडेक्स डॉट HTML में कुछ मॉडिफिकेशन आई है जो हमारे पास नहीं है, सही है, और ये वाली फाइल भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो भी आपने एसोसिएटेड कराना हो अपने फोल्डर से रेपो की तरफ, तो उसके लिए कमांड है गेट एड -a, यही बताया था अभी वेरिफिकेशन के लिए, हम अगर यहाँ पर आए वापस गेट एड -a। ठीक है, सही है। अच्छा अब क्या करते हैं, गेट कमिट डैश एम CSS फाइल क्रिएटेड, क्या बोल रहा है? टू फाइल्स चेंज, ठीक है, फाइल इंसर्शन और क्रिएट मोड स्टाइल डॉट CSS, सही है, उसने आपको बता दिया और बिल्कुल सही बताया, दोनों फाइलें चेंज हुई है, एक तो बिल्कुल ही नहीं है और दूसरी में मॉडिफिकेशन है। अब अगेन गेट पुश गेट पुश डैश यू ओरिजिन मास्टर सिर्फ पहली बार का है, बार बार का नहीं है, दूसरी बार कभी भी पुश उसी ब्रांच में अगर पुश करना हो तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर, सही है, एंटर करते हैं और वापस जाकर देखते हैं, डन बता रहा है। ठीक है, यहां पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इंडेक्स डॉट HTML के साथ हमारी CSS की फाइल भी क्रिएट हो गई है। स्टाइल डॉट CSS में अपना कोड अगर मैं जाकर रिव्यू करूं तो बिल्कुल वही कोड मेरे पास आ रहा है जो अभी आपके सामने लिखा था। एक दफा दोबारा से कमांड जो है रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद CSS का हम एक दूसरी चीज देखेंगे। जी कहां पर एरर आ रहा है अभी उसको देखते हैं, मैंने अभी नहीं बोला ना काम करने के लिए, देखते हैं उसको अपना। ठीक है, और वो जिस किस्म का भी एरर होगा ना, हो सकता है लॉगिन का एरर हो, लॉगिन करने का तरीका बहुत आसान है, वो जब आप करने लगो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, कोई नहीं है, सिर्फ एक साइन अप है और ईमेल के साथ लॉगिन है वो। हाँ सही है, वो देखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये URL मैं रख देता हूँ कहाँ पर, सिसबॉर पे रख देता हूँ, इस पे आपके सामने वो भी लिखा हुआ है जो आपका अपडेट करने का तरीका है। ठीक है, अब एक नई चीज देख लेते हैं, सही है, एक नई चीज देख लो जो लास्ट है गिटहब की आज के लिए, कमांड प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, और एक दफा वेरीफाई करने के लिए हम जो HTML है उसको एक दफा रन करके देख लेते हैं।
ये हमारे पास HTML की फाइल रन हो रही है और ये आप URL देख सकते हो, ठीक है। कॉपी करके अगर मैं इसको स्विच बोर्ड पे रखूं, अपने पास रन करके देखो, रन हो रही है। कौन बोल रहा है हो जाएगी, हो जाएगी, चेक करो जरा कैसे रन होगी भाई। सिस्टम का पास है ये तो मेरी, सही है, नहीं रन होगा, ठीक है। आपने जी हाँ हाँ वो मैं अभी रख, ठीक ठीक है, मैं यहां पर आता हूं दोबारा और गिटहब के अकाउंट पर जाता हूं, सही है। जब भी आप कोई टास्क सबमिट करवाओगे, मुझे डिप्लॉयड यूआरएल दोगे। जब भी आप अपनी वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय मतलब किसी जगह पर होस्ट कर देना, और फिर वो जो यूआरएल होता है वो डिप्लॉयड यूआरएल होता है, होस्टेड यूआरएल होता है, आप मुझे सिर्फ वो दोगे। गिटहब का यूआरएल मैं लूंगा बिल्कुल, किसके लिए, कोड चेक करने के लिए। लेकिन जब भी आप कोई टेस्ट सबमिट कराओगे वो गूगल फॉर्म पर या मुझे यहाँ पर, तो आप वो मुझे लिंक बनाकर दोगे। वो लिंक कैसे बनाना है उसको जरा सा देख लो, ठीक है। हम आते हैं वहां पर दोबारा रेपोजिटरी में आए, नेट बड़ा मर रहा है थोड़ा सा। सही है। या आपके आपके प्रोजेक्ट की रेपोजिटरी यही थी, सीएसएस बॉक्सेस, सीएसएस बॉक्सेस पे क्लिक करा, ठीक है। अब आपके पास नेविगेशन बार चल रहा है, सही है, सेटिंग्स पे चले गए, सही है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपके पास लेफ्ट पे जो ड्रॉअर चल रहा है, लेफ्ट पे जो ड्रॉअर चल रहा है वहां पे जाओगे तो आपको दिखेगा पेजेस, पेजेस पे चले गए, सही है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ब्रांच करके एक हेडिंग दिख रही होगी, उस पे नन लिखा हुआ होगा, उस पे क्लिक करोगे ना तो वो आपको बताएगा कि भाई मेरे पास ये दो ब्रांचेस अवेलेबल हैं। मैंने क्लिक कर दिया मास्टर पर, सही है, और यहाँ से इसको सेव, सेव का बटन क्लिक कर दिया, और मेरी जो पेजेस हैं उसको डिप्लॉयड होने में कम से कम 1 मिनट लगता, ठीक है। हम दोबारा से घूम फिर कर इस जगह पर आते हैं, कैसे, इस वाले पाथ को खत्म कर देते हैं, यहां से github.com पे चले, रिपॉजिटरी, सीएसएस बॉक्सेस, सेटिंग्स, पेजेस, सही है। क्या बोल रहे हैं, योर साइट इज लाइव एट दिस URL, इस URL को कॉपी कर लो या फिर विजिट साइट का बटन दबा लो, वो जो आपके सामने पेज बनाया था वो लाइव हो चुका है। मैं इसको कॉपी करके स्विच बोर्ड पे रख रहा हूँ, अपने पास ओपन करके देखो, ओपन हो रहा है। आपने एक सेकेंड, आपने कभी भी टेस्ट सबमिट कराना है इस तरह का यूआरएल मुझे दोगे, ठीक है, तो वो वाला यूआरएल मैं एक्सेप्ट करूंगा। ओपन हो रहा है, ठीक है, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। आपने इस तरह टेस्ट मुझे सबमिट कराना है, किसी की फाइल मैं नहीं लूंगा, किसी की यूएसबी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे ये यूआरएल चाहिए जिसे मैं यहीं पे आपके सामने भी ओपन करूंगा कि हाँ भाई ये इसने बनाया है, ये उसने बनाया है। एक सेकेंड, ईमेल वीमेल पे नहीं करना भाई, तुम कहां से आते हो तुम भाई। नहीं चाहिए वहां से भी, सही है। इसको कॉपी करा और यहाँ पे पुट कर दिया, सही है। ये आपके पास ये वाला लिंक आपने मुझे देना है, डायरेक्ट आपका आउटपुट मुझे भी दिखेगा, जो बाकी स्टूडेंट होंगे उनको भी दिखेगा। गिटहब क्लियर है, सही है जी। अभी हम थोड़ी देर, 5 मिनट में दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर कर, वो स्टार्ट करेंगे हाँ 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 सब चलेगा भाई, डायनामिक वो सब चलेगा। हाँ
जब भारी होने लगेगा ना कि डेटा ज्यादा है फिर नहीं। और वैसे भी HTML CSS JavaScript की बात हो रही है, किसी प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है।